नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम हर दिन काम करते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीते हैं। क्या कभी आपने किसी का शुक्राना किया है, यानी थैंक्स किया है कभी? क्यों हम इतने स्ट्रेस में हैं? क्यों हम इतनी परेशानी में रहते हैं? क्यों नहीं हम सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं? क्यों हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उथल पुथल रहती है? क्यों कभी भी हम सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते हैं? कभी भी हमें लगता धैर्य नहीं है हमारे अंदर। कोई चीज़ ऐसी जो आपके अंदर पूर्ण है, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से? नहीं है ना। कोई ना कोई चीज़ तो कमी होती है, लेकिन कहीं एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा पहलू हो जाता है, कभी दूसरी तरफ अच्छा होता है तो तीसरी तरफ बुरा पहलू। तो ये कुछ ना कुछ मिला जुला करके कोई ना कोई एक ऐसी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आकर के खड़ी हो जाती है। एक खास टिप्स, थैंक्स करना शुरू कर दीजिए, शुक्राना कीजिएगा। अब कहाँ किन चीज़ों का शुक्राना करना है, दूसरा किन चीज़ों का ध्यान भी रखना है, ये दो चीज़ों का अगर आप एक फैक्टर अगर आप समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले शुक्राना जो हमें करना चाहिए, जो थैंक्स करना चाहिए हर दिन। अब ये नहीं है कि हर दिन भूख लगती है, खाना भी तो आप खाते हैं ना, लेकिन क्या कभी आपने जिस माध्यम से आपको खाना मिल रहा है कभी उनका थैंक्स किया आपने? नहीं, बस खा लिया, पेट भर लिया, मस्त हो गए, बस चल जी आज का दिन निकला, कल का कल देखते हैं। तो ये कल का कल देखते हैं ना, तभी कल का कल तक ही प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। तो ये कल जो है ना, अच्छा कल आए, कल खूबसूरत आए, कल सुकून से भरा हुआ है, तो उसके लिए आज भी तो कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी ना। थैंक्स बहुत बड़ी एनर्जी आपके आसपास लेकर के आएगा। शुक्राना आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों की एक तोहफा, जिसे कहते हैं, दस्तक दे करके आएगा। आप इसको शुरुआत कर दीजिए, जब जागो तभी सवेरा कहते हैं, तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहला थैंक्स, अब ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि इतने बजे करा तो शाम को नहीं कर सकते, सुबह नहीं कर सकते, आपने थैंक्स करना है मन ही मन में। और कैसे करना है? माता पिता का थैंक्स सबसे पहला थैंक्स। कहते हैं कि हर घर में भगवान नहीं जा सकते थे, तभी तो माता पिता आए। भगवान ने हर घर में माता पिता के रूप में एक ऐसी एनर्जी दे रखी है जो भगवान से कम नहीं है। भगवान का दर्जा मिलता है माता पिता को। तो आपने सबसे पहले अपने माता पिता को थैंक्स ज़रूर कीजिए, जिनकी बदौलत आज आप धरती पर सांस ले पा रहे हैं, इस जीवन को ले पा रहे हैं, इस जीवन के सुख का आनंद ले पा रहे हैं। उतार चढ़ाव जिंदगी के दो पहिए हैं, कभी ज़िंदगी में उतार भी होता है, कभी चढ़ाव भी होता है, लेकिन उनका थैंक्स करना बिल्कुल मत भूलिए, जिनके चलते आपको ये जीवन मिला है। भले ही हम अपनी ज़िंदगी में कितना व्यस्त क्यों ना होंगे, 24/7 हम अपने काम में लगे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं संभाल रहे हैं, बस भूल जा रहे हैं। तो आपने पहला थैंक्स अपने माता पिता को हर दिन करना शुरू कीजिए, और मन से कीजिए, दिखावे के चलते थैंक यू मम्मी, थैंक यू पिताजी, और बाद में जा करके उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, पहला थैंक्स माता पिता का, और ये थैंक्स दिल से करिएगा कि आज आपकी बदौलत हम इस जीवन में हैं। दूसरा थैंक्स धरती मैया का करिएगा, और इन सारे थैंक्स से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना ज़रूर शुरू कर दीजिए, भगवान का नाम ज़रूर लीजिए, और साथ के साथ आप अपने ईष्ट देव, कुल देवी देवता, उनका स्मरण करते, उनका थैंक्स तो करना ही करना है। ये उनके बाद के स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। धरती मैया, ये धरती मैया हमारा पूरा बोझ उठाती है। अगर आपके सिर के ऊपर 5 मिनट के लिए कोई बोझा रख दिया जाए तो सोचिए कैसा आप फील करते हैं, और हमने अपनी धरती को कितना पीड़ित कर देते हैं, कितना तकलीफ उन्हें दे देते हैं। तो धरती मैया ने कोई 100 किलो वाला भी उठा रखा है तो 5 किलो वाला भी उठा रखा है, 50 वाला भी उठा रखा है ना। अब 100 किलो वाले तो ये नहीं कहेगा कि उसको थैंक्स ज़्यादा करने हैं, क्योंकि उसके बहुत जो है वो कुछ ज़्यादा धरती पर नहीं।
हमने धरती मैया का स्पर्श भी रोज करना है और धरती मैया का थैंक्स भी करना है, शुक्रिया अदा करना है कि आज हम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं सब बदौलत धरती मैया की। हर दिन काम करते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी कई सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की जीवन है तभी तो कर पा रहे हैं। तो धरती मैया को आपने प्रणाम भी करना है और साथ के साथ आपने थैंक्स भी करना है, शुक्राना भी करना है। अब अगला थैंक्स जो है वो करना है जिन्होंने भी हमारा जीवन में कहीं भी सहयोग किया है। अब हम क्या करते हैं ना, जल्दी से बुरी बात पकड़ लेते हैं। जो 100 बातें अच्छी की हुई हैं वो तो नहीं पकड़ रहे हैं, वो कहाँ गई, क्योंकि वो तो आपकी नेगेटिविटी है, वो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप देखते ही पिक ही वही चीज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग पिक क्या करते हैं, जो उनके साथ बुरा हुआ है बस, वो जो इतना लंबे समय से अच्छा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। तो जो बुरा है उसे पिक कर लिया, तो आपने कम से कम उस बुराई को छोड़ दीजिए ना, अच्छा सोच करके उनका थैंक्स करना सोचिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि बच्चा रुलाया हुआ जो है वो बड़ी जल्दी याद रहता है, हंसाया हुआ किसी को याद नहीं रहता, कहते हैं ना एक हम आमतौर पर अपने घरों में ये कहावत जो है इस्तेमाल करते हैं। क्यों, अगर 100 दिन हंसाया है तो उसको क्यों नहीं याद रखे, रुलाया हुआ एक दिन का कैसे याद रख रहे हैं आप। तो आपने वो नेगेटिविटी छोड़ करके एक अच्छी भूमिका निभानी है, एक अच्छे पल को पिक करना है और आपने उनका थैंक्स करना है जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपका सहयोग किया है, जो आपके जीवन में कुछ अच्छे पल लाए हैं। उन्हें याद रख करके उनका थैंक्स करना शुरू कर दीजिए। आपको दिखावे का थैंक्स नहीं करना है कि 10 लोग सुन रहे हो तो हम थैंक्स कर देंगे, अरे वाह जी वाह वहाँ पहुँच गया थैंक्स, मैंने बोल दिया था उनको, सॉरी भी बोल दिया था, मैंने उनके लिए बहुत अच्छा किया था, वो तो ये अच्छे थे, वो अच्छे थे। ये दिखावा है ना, ये दिखावा नहीं चाहिए होता किसी को भी। दिल से आप एक भाव रखिए, थैंक्स कर दीजिए। परिवार के सदस्यों का जिन्होंने आपके जीवन में अच्छे बुरे पलों में हमेशा आपके साथ रहे, आपका साथ दिया, परिवार का थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। परिवार साथ में है तो आप रिच होते हैं, परिवार साथ में नहीं है तो आप सबसे गरीब इंसान होते हैं। तो हमेशा याद रखिए परिवार के सदस्यों का थैंक्स ज़रूर कीजिए और उसे दिल में रखिए थैंक्स को, दिखावे का थैंक्स मत रखिएगा। पंच तत्वों का, अग्नि वायु जल आकाश, तो आपने पांच जो तत्व हैं आपने इनका थैंक्स ज़रूर करना है, ज़रूर कीजिएगा इनका थैंक्स। हमारे जीवन में जब जन्म होता है तब शुरू होता है इनका काम और तब हमारे जीवन में शुरू होता है इनका प्रभाव और हमारे जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है इसका प्रभाव। तो पांच तत्व ये कभी नहीं भूलने हैं, इनका थैंक्स आपने हर दिन करना है। ये हमारी ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है, ये हमारी ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव भी होता है, यानी शुरुआत में भी हमारे जीवन में साथ चलते हैं और अंतिम पड़ाव तक ये हमारा साथ निभाते हैं। तो पंच तत्व का थैंक्स शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। अब फिर आते हैं कि घर जब लौटते हैं, घर से जब हम जाते हैं, तो आपने एक थैंक्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो है आपके घर की दहलीज का, यानी जाते समय भी उसे प्रणाम करके जाइए और घर लौटते समय भी सबसे पहले अपने घर की दहलीज का आपने थैंक्स शुक्राना करना शुरू करिए। वो घर आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छे पल लाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहीं एक ऐसा स्थान होता है जहां हमें सुकून के पल मिलते हैं, वहीं एक ऐसा स्थान होता है जो हमारे लिए सुख सुविधाओं को इंजॉय करने का एक माध्यम बनता है। हम जहां सुकून के पल भी लेते हैं, सुकून की नींद भी लेते हैं और अपने जीवन को सुकून तरीके से व्यतीत भी करते हैं, और यही एक ऐसा स्थान है घर का मुख्य दरवाज़ा, मुख्य दहलीज, जो हमारे जीवन में हमेशा सुकून के पल लेकर के आते हैं,
हमारी खुशियों को संजो करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, हमारे परिवार की खुशियों पर नज़र नहीं लगने देते हैं। तो आपने शुक्राना घर की दहलीज का घर से जाते समय भी और घर वापस लौट कर भी सबसे पहले दहलीज को प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना करना है और अपने जीवन को एक अच्छा एक फल देना है, एक अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, एक अच्छी एनर्जी देनी है ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो थैंक्स करना भूलिएगा मत नहीं, इस बार आपने ध्यान रखना है। थैंक्स इम्पॉर्टेंट है बट कहाँ, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।